अब बताओ क्या बात थी? मेरा रिश्ता तय हो गया आप ही के देवर के साथ। कल आप ही की सास आई थी, उन्हें मुझसे पूछे बगैर उनको हाँ कर दी। सुल्तान अब क्या होगा? रियली? पर इसे इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुल्तान मुझे तो पहले खुद को भी नहीं पता था कि अब्बू मुझसे पूछे बगैर हाँ कर देंगे। सुल्तान तुम जल्द अज जल्द अपने घर वालों को भेजो ताकि मैं उस रिश्ते से मना कर सकूं। सुनो मेरी बात, सबसे पहले तुम इस मंगनी से इनकार करो। नहीं सुल्तान, अब्बू नहीं मानेंगे। जब तक मेरे पास तुम्हारे रिश्ते की ऑप्शन नहीं आ जाती, मैं किस बेस पे अब्बू को मना करूंगी? ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सोचता हूं। मैं क्या मतलब तुम कुछ सोचते हो? घर वाले मेरी तारीख तय करने पर तुले हुए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी घर जाता हूँ और घर वालों से बात करता हूँ। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, आप जाइए। मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है और तुम सिर्फ मेरे साथ बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वहीं पर उस जगह पर आप ही की शादी हुई हुई है। सुल्तान मुझे लगता है तुम मेरे साथ सीरियस नहीं हो। तुम तो सीरियस हो ना, तो आ जाओ मेरे पास, भाग के शादी कर लेते, क्योंकि मेरे घर वाले तो शराफत से नहीं मान, और भाग के निकाह करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। सुल्तान मैं ऐसी लड़की नहीं, मैं ये कदम कभी भी नहीं उठा सकती। हाँ तो मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ जो अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ आके तुम्हारे घर पे बैठ जाऊं तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। मैं उनको मना रहा हूँ, जब वो मान जाएंगे तो रिश्ता लेके आ जाऊं। हाँ अगर तुम्हें नवीन पसंद आ गया है तो वो एक अलग बात है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी परी। सुल्तान तुम मेरी पोजीशन नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हारी पोजीशन समझ रहा हूँ, और अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है उस नवीन से शादी करने का तो कर लो यार। मुझे बता दो, क्योंकि मैं तो अपने घर वालों को मना रहा हूँ, और जैसे ही वो मानेंगे उनको लेके मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा रिश्ता लेने के लिए। माय गॉड, मैंने तुम्हें तसल्ली देने के लिए फोन किया था, तुमने तो उल्टा मेरा ही दिमाग खराब कर दिया। मेरी वजह से तुम्हारा दिमाग घूम रहा है, मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूं ना? तो ठीक है सुल्तान, इस सिलसिले को, इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से सूली पे लटक लटक के थक गई हूं। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाके शादी कर लो अपनी बहन के देवर से, मेरा दिमाग मत खराब करो। बाय। अब आप रेडी हैं? माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज।
अपने घर के टेरेस पर आओ और बाहर देखो। मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकूंगा यार। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को मनाने की, मैं तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजने की, नहीं भेज सका। इसलिए सोचा कि अगर मरना ही है तो तुम्हारे सामने क्यों ना मरूं। इसमें जहर है और ये जहर मैं आज तुम्हारे सामने पीऊंगा। सोचा मरने से पहले आखिरी दफा तुम्हें देख लूं। सुल्तान तुम पागल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या करने लगे हो तुम? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पागल हो गए हो क्या? चाहो तो तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। परीजे ना मिली तो फिर क्या मिला? सुल्तान मेरे लिए भी शादी होने वाली, देखो मैं दुल्हन बनी हुई। शादी तो तुमसे मैं भी कर लूंगा, तुम सिर्फ हाँ तो कहो। अभी इसी वक्त लेकर जाऊंगा तुम्हें, निकाह करूंगा। बताओ चलोगी आओगी या फिर यहां खड़े होके मेरी मौत का तमाशा देखोगी? आज तुम्हारी शादी है ना, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुम आई तो ठीक, वरना ये जहर मैं पी लूंगा। एक, दो, तीन। पागल हो गए तुम? चलो